नमस्कार, आप सुन रहे हैं पंजाब केसरी पॉडकास्ट न्यूज फ्रेश में आपका स्वागत है। मैं वैशाली, आज है 26 मई दिन शुक्रवार। तो चलिए आज की ताज़ा खबरों का रुख करते हैं। कल का दिन राजस्थान के लोगों और राजनीति के लिए काफी अहम रहा, जहां राजधानी जयपुर में सिंधी कैम बस स्टैंड के नए टर्मिनल का लोकार्पण के अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान रोडवेज की सभी कैटेगरी की बसों में महिलाओं के किराए में 50% छूट देने की बड़ी घोषणा की है। इसके साथ ही बिना नाम लिए सचिन पायलट पर एक बार फिर जोरदार निशाना साधा है। सचिन पायलट द्वारा सरकार से की गई पेपर लीक घटनाओं से प्रभावित युवाओं को मुआवजा देने की मांग पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि पेपर लीक का मुआवजा मिलना चाहिए, अब ऐसी मांगों को बुद्धि की दिवालियापन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। राजस्थान में आज यानी कि 26 मई को एक अलग इतिहास रचने जा रहा है। यहां पर अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक विवाह होने जा रहा है। इसकी तैयारी करीब एक महीने पहले से चल रही थी। राजस्थान के अब तक के सबसे बड़े सामूहिक विवाह का आयोजन इस बार 12 शहर में रखा गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस सामूहिक विवाह में करीब 5,00,000 लोग शामिल होंगे। यह भव्य आयोजन सर्वधर्म निःशुल्क विवाह सम्मेलन के नाम से करवाया जा रहा है। इसमें 2200 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने प्रताप नगर स्थित राज आंगन योजना में बंगला आवंटन में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वे गुरुवार को यहां पहुंचे और कहा कि पहले मंत्री ने जमीन आवंटन को स्वीकृति नहीं दी और 7 दिन बाद ही आवंटन कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ है। सांसद ने कहा कि वर्ष 2020 में राज आंगन योजना में कोटा निवासी अश्विनी को कौशल विकास की शिक्षा देने के नाम पर मात्र 7 करोड़ रुपए में 3 बंगले आवंटित कर दिए गए, जबकि इन बंगलों की कीमत 150 करोड़ रुपए है। सांसद ने कहा कि योजना में मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की जा रही है, लेकिन कोई रोक नहीं रहा। राजस्थान के लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ शिक्षक भर्ती की पेपर लीक मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की एंट्री हो गई है। सूत्रों के अनुसार ईडी को आरोपियों के बयानों के विश्लेषण से पेपर लीक के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि हुई है। जांच बढ़ने पर अन्य लोगों से पूछताछ संभव है। बता दें कि पेपर लीक में ईडी ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की शिकायत पर इसी महीने आरपीएससी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। आयोग चेयरमैन व सचिव को ईडी ने नोटिस भी जारी किए थे। मानसून से पहले मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 7 घंटे के अंदर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सहित आपस के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आंधी तूफान चलने की आशंका है। देर रात 96 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तूफान आया था। तूफानी बारिश के कारण प्रदेश के 19 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया था। पिछले 48 घंटे के दौरान सीकर में 127 मिमी बारिश दर्ज की गई। फिलहाल फ्रेश न्यूज में इतना ही। कुछ और ताज़ा खबरों के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए पंजाब केसरी पॉडकास्ट।